इंग्लिश ग्रामर में आज हम आपको बताएंगे लेटर्स। लेटर का मीन्स होता है पत्र जो सगे संबंधियों को राइट किए जाते हैं। यह ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर। यंगर का मीन्स होता है छोटा, ब्रदर का मीन्स होता है भाई, राइट का मीन्स होता है लिखना। लेटर पत्र, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए एडवाइजिंग, सलाह देने के लिए हिम, उसे सलाह देने के लिए। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। वर्क हार्ड का मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना। एट हिज स्टडीज, स्टडी का मीन्स होता है अध्ययन, उसका प्लूरल है स्टडीज। सो दैट, ताकि ही मे गेट अ फर्स्ट क्लास, ताकि वह प्रथम श्रेणी से पास हो सके। फर्स्ट क्लास का मीन्स होता है प्रथम श्रेणी से पास हो सके। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये है कि जो हम एड्रेस राइट करेंगे वो राइट साइड में एड्रेस होगा। 210 सिविल लाइंस बरेली, ये है वहाँ का पोस्ट ऑफिस नंबर 24301। और यहाँ पर 22 जून 2020 हम राइट कर सकते हैं। मेन पॉइंट जो हमारा सब्जेक्टिव पॉइंट्स है ये है, डियर सनी, प्रिय सनी, मतलब अपने भाई को संबोधन के केस में राइट किया जा रहा है। डियर सनी, प्रिय सनी, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दिस विल फाइंड यू, फाइंड का मीन्स पाओगे, यू मतलब तुम, इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ऑफ योर स्पिरिट्स, अपनी आत्मा की गहराइयों में। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में यह सबसे अच्छा पाओगे, मतलब जो मैं सलाह देना चाहता हूँ। यस्टरडे मतलब बीता हुआ, कल होता, आई गॉट अ लेटर फ्रॉम महेश, गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट। यस्टरडे बीते हुए, कल मतलब कल, आई गॉट अ लेटर फ्रॉम महेश, मैंने महेश से एक पत्र प्राप्त किया। ही गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट। He says, वो कहा, that कि you are sure of your success, sure का means आश्वस्त हो, your success अपनी सफलता को लेकर, success का means होता है सफलता। He says, वो कहा, that कि you are sure of your success, तुम अपनी सफलता को लेकर और आश्वस्त हो। I am very happy to know this, बहुत खुश हूँ। टू नो, नो का मीन्स होता है जानना, दिस, मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ। बट लेकिन, यू शुड नॉट बी आइडल, बट लेकिन यू मतलब तुमको, शुड नॉट बी आइडल, आइडल का मीन्स होता है आलस, भी मतलब होना, और शुड मतलब चाहिए, लेकिन तुम्हें आलसी नहीं होना चाहिए या आलस नहीं करना चाहिए। जैसे कि इट इज राइटली सेड, राइटली का मीन्स होता है सही, सेड मतलब कहा, जैसे कि यह सही कहा गया है। इंडस्ट्री इज रिवार्डेड, इंडस्ट्री का मीन्स होता है मेहनत, इज रिवार्डेड पुरस्कृत होता है। जैसा कि यह सही कहा गया है कि परिश्रम पुरस्कृत होता है, एंड आइडलनेस, आलस्यपन, पनिश्ड, दंडित होता है। जैसा कि यह सही गया कहा गया है कि परिश्रम पुरस्कृत होता है और आलस्यपन दंडित होता है। ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स लीड्स टू फेलर। ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मीन्स होता आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस का मीन्स अति आत्मविश्वास, मतलब आवश्यकता से अधिक जो विश्वास होता है वह मनुष्य के लिए घातक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स, अति आत्मविश्वास समटाइम्स, कभी कभी लीड्स, पहुंचा देगा टू फेलर, असफलता तक। कभी कभी अति आत्मविश्वास मनुष्य को असफलता तक पहुंचा देता है। फेलर का मीन्स होता है असफलता। आई नो, मैं जानता हूं, दैट कि यू आर अ ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ब्राइट का मीन्स होता है बेहतर, इंटेलिजेंट का मीन्स होता है बुद्धिमान स्टूडेंट, विद्यार्थी। मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत बेहतर और बुद्धिमान विद्यार्थी हो, बट लेकिन यू आर नॉट डिलीजेंट, लेकिन तुम मेहनती नहीं हो। डिलीजेंट का मीन्स होता है मेहनती, बट यू आर नॉट डिलीजेंट, लेकिन तुम मेहनती नहीं हो। सो इसलिए आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड, एडवाइज मतलब सलाह देता हूं, यू मतलब तुमको, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। मैं तुमको कठिन परिश्रम करने का सलाह देता हूँ। जैसे दी एग्जामिनेशंस आर नियर, एग्जामिनेशन का मीन्स होता है परीक्षा, आर नियर मतलब पास है। जैसा कि परीक्षा पास में है, मतलब नजदीक है। रिवाइज योर कोर्स अगेन एंड अगेन, रिवाइज का मीन्स दोहराइए, योर कोर्स, अपने विषय को अगेन एंड अगेन,
पुनः पुनः या बार 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 अपनी विषय को दोहराइए। डू हार्ड वर्क, डू मतलब करो हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो फॉर द फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी से पास होने के लिए। फर्स्ट डिवीजन का मीन्स होता है प्रथम श्रेणी। कठिन परिश्रम करो प्रथम श्रेणी पास होने के लिए, क्या करो कठिन परिश्रम करो। नथिंग लेस द फर्स्ट क्लास विल सेटिस्फाई यू, फर्स्ट क्लास न प्राप्त करना, यदि तुम फर्स्ट क्लास नहीं आते हो, प्रथम श्रेणी पास नहीं होते तो मुझे कोई संतुष्टि नहीं होगी। मतलब जो बड़ा भाई है छोटे भाई, नथिंग लेस, नथिंग का मीन्स होता है कुछ नहीं, लेस मतलब कम, द फर्स्ट क्लास विल सेटिस्फाई मी, मतलब यदि तुम फर्स्ट क्लास नहीं आते हो तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। विशिंग योर सक्सेस एंड गुड लक, विश का मीन्स इच्छा जाहिर करना या कामना करता हूँ, योर सक्सेस तुम्हारी सफलता का, एंड गुड लक एक अच्छे भाग, तुम्हारे एक अच्छे भाग्य की और तुम्हारे सक्सेस की कामना करता हूँ। योर लविंग तुम्हारा प्रिय मुकेश, मतलब एक छोटे भाई, एक बड़े छोटे भाई को पत्र लिखने के लिए ऐसे ही आइडियाज लिए जाते हैं। यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।